हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मोहरे की तरफ से कुछ नया अनाउंसमेंट सामने आ रहा है। क्या है ये अपडेट, जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, रिसेंटली जो है मोहरे ने ट्वीट करके, जो रिसेंटली अभी एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जा रहा है, उसमें ट्वीट करके कुछ बातें शेयर की हैं, कुछ अपडेट्स लाए हैं सामने। उसमें ये बताया गया है, कुछ पॉइंट्स उसमें बताए गए हैं कि ऐसे जो पर्टिकुलर ऐसे जो लोग हैं उनको यूएई का वर्क वीज़ा बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो कौन लोग आते हैं मैं आपसे बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले लोग आते हैं नए, और जो आते हैं पहले भी आ चुके हैं दुबई या यूएई, वो कैटेगरी होती है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं और अगर आपका अपने होम कंट्री में किसी भी तरीके का केस रहता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको दर्ज किया जा चुका है आपके कंट्री में, तो फिर आपको यूएई का वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। यानी कि ये बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस होते हैं जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो लेवल है वो आपके स्टेट लेवल से भी बढ़कर होता है। यानी कि कंट्री लेवल पे आपका नाम दर्ज अगर रहता है तो आपको यूएई का वीज़ा नहीं मिल सकता है, ठीक है। सेकेंड जो अपडेट आया है वो उन लोगों के लिए आया है जो पहले भी यूएई में रह चुके हैं और फिर से यहाँ का वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये बताया गया कि जो लोग भी यहाँ से डिपोर्ट हो रहे हैं या आउटपास से यहाँ से एग्जिट किए हैं उनको भी यूएई का वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। उसके बाद जो कुछ लोग आते हैं कि जब आप यूएई में पहले थे तो अगर आपके ऊपर सिविल केसेस या क्रिमिनल केसेस जो अभी तक क्लियर नहीं हैं, क्लियर अगर नहीं है तो आपको यूएई का वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर आपने क्लियर करवा लिया, बहुत लोग लॉयर की हेल्प लेते हैं, कोर्ट्स वगैरह की हेल्प लेकर इसको क्लियर करवा देते हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का केस है, चाहे इमिग्रेशन केस हो सकता है, सिविल केस हो सकता है, क्रिमिनल केस हो सकता है, अगर इस तरीके के केस आपके ऊपर है, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम इतने साल में यूएई में थे तो उस टाइम पे हम ये हुआ था, जेल में थे, क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व थे, सिविल केस में इन्वॉल्व थे, लोन लिए थे, क्लियर नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन आप लोग करते हैं। तो मौर्य की तरफ से इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है कि अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आप यूएई में क्रिएट किए हैं पहले, किसी भी तरीके का केस आपके ऊपर है, गाड़ी वगैरह लोन पे लेके आप लोग एग्जिट कर जाते हैं बिना उसको क्लियर किए, तो सारी चीज़ों के रिकॉर्ड्स वहाँ पे रहते हैं। तो रिकॉर्ड के हिसाब से अब रिकॉर्ड को भी उसमें इनबिल्ट कर दिया गया है, अगर आपके ऊपर कोई भी केस है तो वो उसमें शो हो जाएगा और आपका वर्क वीज़ा नहीं लगेगा। तो सिक्योरिटी और स्ट्रिक्टनेस के लिए बहुत लोगों का वर्क वीज़ा इस समय रिजेक्ट हो रहा है, आप सबको पता है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है, तभी आपका वीज़ा रिजेक्शन हो रहे हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।